निज आत्मा को जान कर पहचान कर निज आत्मा का ध्यान धर जो हो गए परमात्मा। वेदितरागी सर्व ज्ञानी हितं कर सब लोक के श्री ऋषभ से वीरांत तक 24 तीर्थंकर हुए। उनने जगत के सामने जिस तत्व को प्रस्तुत किया सुख शांति में जिस वीतरागी मार्ग को प्रस्तुत किया वह अहिंसक मार्ग जग में आज भी विद्यमान है और उसको समझना भी एकदम आसान है। ऋषभ से चित शुद्धि के लिए अत्यंत निर्मल भाव से तत्व चिंतन कर रहा हूँ सहज ही सद्भाव से। यदि पढ़े कोई चाव से गहराई से अध्ययन करे पठन पाठन करे तो होए मेरा चित भी प्रसन्न है हे बंधुवर हम सभी अनुमोदन जीव आश्रव बंध संवर निर्जरा अर मोक्ष ये सब तत्व है अर अर्थ है तत्वार्थ है। इनका विमल श्रद्धान दर्शन ज्ञान सम्यक ज्ञान है और दर्शन ज्ञान में निज तत्वार्थ में आते रहे पुण्य एवं पाप आश्रव बंध के ही भेद है। पुण्य आश्रव पाप आश्रव इस तरह से बंध में हम पुण्य बंधरु पाप बंधरु भेद करते विकारी परिणाम आश्रव बंध भी रे पुण्य एवं पाप भी तो गेय है पर हेय है। मुक्ति संवर निर्जरा ये गेय है उपादेय है गेय अपना आत्मा श्रद्ध आत्मा में अपनपन सम्यक्त्व है श्रद्धान है निज आत्मा में रमणता ही आत्मा का ध्यान है।
निज आत्मा की साधना आराधना ही मुख्य है। अरे आश्रव बंध तो दुख करण है, दुख रूप है, अशुचि है, विपरीत है, अर्भव भ्रमण के रूप है। अरे आश्रव बंध तो भव रूप है, भव कूप है, अरे इनके बंधनों में फंस रहे चिद रूप है। पाप आश्रव पुण्य आश्रव बंध की ही है तू है, यदि बंध सी है छूट ना तो मोह इनका छोड़ी। सुख शांति दाता स्वर्ग दाता पुण्य है, परंपरा से कहे तो अपवर्ग दाता पुण्य है। आश्रव है ही ये एवं बंध भी जब है, जब सभी आश्रव है यह, सब बंध भी जब है यह, उन पाप उनके भेद है, अतएव वे भी है। अविरति प्रमाद अर कषाय एवं योग, ये सब स्वयं आश्रव भाव है, अर बंध के सब हेतु है। पुण्य एवं पाप सब बस इन्हीं भावों से बंधे, क्योंकि ये सब भाव ही तो बंध के कारण। कर्म बंधन होए इनसे, कर्म ना इनसे कटे, बंध के ये पांच है तो पुण्य भी इनसे बंधे। बंध के जो है तो वे सब मुक्ति मग के है तू ना, मुक्ति के है तू जो वे बंध की हो। कुछ नहीं हम भी किसी के कुछ नहीं, और कोई किसी से भी कभी जुड़ सकते नहीं। सभी द्रव्यों में परस्पर वज्र की दीवाल है, कोई किसी का कुछ करे स्वयं में रहे आत्मा, यह जान सकता सभी को, क्योंकि सबको जानना इसका स्वाभाविक भाव है।
अपने में रहे, सब स्वयं में ही परिणमे है। अपरिणामी तत्व तह परिणमन हो पर्याय में, जीव बदले स्वयं में पर वह अजीव नहीं बने। जीव रह कर जीव सब ही बदल कर भी ना बदलना आत्मा का भाव है। ना बदल कर भी बदल जाना यही आत्म स्वभाव है। अपेक्षा समझे बिना कुछ भी समझ ना आएगा। अपेक्षा के समझते सब समझ में आ जाए। बंधन काटते और शुभाशुभ बंधन करे, जो भाव बंधन करे उनको मुक्ति मग कैसे कहे। शुद्ध कहते हैं जिनेश्वर वीतरागी भाव को, अशुद्ध से ही कर्म के बंधन कटे। और शुभाशुभ भाव तो पुण्य पाप का बंधन करे। पुण्य पाप से होता निरंतर चतुर गति में परिभ्रमण। पुण्य पाप से हो पार जब तब रोके जग का परिभ्रमण। हो धर्म बुद्धि पुण्य में भव मूल में क्या भाव है। वीतरागी भाव हो तो भव जलधि से पार। रतन त्रय के भाव ही तो वीतरागी भाव है। हर शुभाशुभ भाव तो मिथ्यात्व और कषाय है। मिथ्यात्व और कषाय मुक्ति मार्ग हो सकते नहीं। अर वीतरागी भाव से पुण्य पाप बन सकते। चाहे पुण्य का या पाप का हो जान लो, एक से है हेय इनकी सत्यता पहचान लो। पुण्य बेड़ी स्वर्ण की और पाप बेड़ी लोह की। बेड़ी तो बंधन रूप चाहे स्वर्ण इस जीव को। अत्यंत गहरे भव जलधि में डुबाती इस जीव को।
से अधिकांशतः भव भोग सामग्री मिले और उसके भोगने से पाप का ही बंध। इस तरह यह पुण्य बदले पाप में संपूर्णतः, रे पाप की प्रतिकूलता पुण्यात्मा को प्राप्त हो। घातियां सब पाप है, पुण्य पाप का यह भेद तो अघातियों में हो सदा जो भले बस संयोग में। संयोग है सब निरर्थक रे, क्योंकि वे परिद्रव्य है। एक द्रव्य दूजे द्रव्य में कुछ कभी कर सकता नहीं। द्रव्य की अनुकूलता प्रतिकूलता से धर्म का संबंध कुछ भी है नहीं, जिन देव ने ऐसा कहा। अनुकूलता प्रतिकूलता को भोगने का भाव तो भोग ही है, करे त्यागने का भाव तो धर्म ही है, इसलिए स्वीकार करना चाहिए। विकल्पों का शमन रागी भाव है, अर्शुभाशुभ भाव तो बस विकल्पों का जाल है। निर्विकल्पक वीतरागी भाव निश्चय धर्म है, उपयोग का निज आत्मा में लीन होना मरम है। अनुकूल सब संयोग है, उन सभी के संयोग को कहते जगत में परिग्रह। परिग्रह है पाप सारा, जगत जाने बात यह है। इस तरह तो पाप भी है, प्राप्त होता पुण्य से। कर्म होने के लिए हो धर्म की आराधना, धर्म की आराधना हो आत्मा की साधना। कर्म बंधन काटने को कर्म ही करते रहे, कर्म ही सम माना नहीं।
जगत में संपूर्ण जग पर विरल ज्ञानी जन कहे के पुण्य भी तो पाप है। स्पष्ट शब्दों में कही यह बात श्री जोविंदु ने जोग सारु ग्रंथ में जोविंदु मुनि वर देव ने। और प्रवचन सार में श्री कुंद कुंदाचार्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा है प्रथम ही अधिकार में पुण्य पाप में अंतर नहीं है जो न माने बात ये संसार सागर में भ्रमे मद मोह से आच्छन्न में। पुण्य है पर उसे शिव मग मानना मिथ्यात्व है इस बात को तो जानना ही चाहिए। सहज ही परिणाम है पर उसे शिव मग मानना मिथ्यात्व है अज्ञान है। इस सूक्ष्म अंतर को सदा पहचानते हैं ज्ञानी जन यह बात आती है नहीं अज्ञानियों के ध्यान में। समझना संभव नहीं काल लब्धि के बिना भी असंभव है समझना। यदि शेष है संसार तो फिर समझ में आता नहीं और सम्यक दिशा में भी कदम उठते तब तक समझ में यह सहज आ सकती नहीं समवाय हो सब सहज तब यह समझ में आ जाएगी। सहज होगा परिणमन और सहज ही चिंतन मनन सहज हो तल्लीनता और सहज मुक्ति में गमन।
संसार है दुख रूप है और आश्रव बंध पुण्य पाप भव के हेतु है। कर्म बंधन मुक्त एवं विकारों से शून्य जो वह अवस्था जीव की है मोक्ष जो सुख रूप। नव तत्व का वर्गीकरण इन चार तत्वों में किया। प्रथम दो है हेय एवं शेष दो पदेय है। यहाँ भी पुण्य पाप दोनों हेय में ही आ रहे। शांतिदायक मान कर ही पुण्य को अपना रहे। वीतरागी भाव जो सच्चा धर्म है लोक में उसे जाने ही नहीं जिन धर्म के आलोक में। राग हो वे किसी से सब ही भस्म हो जाएगा। राग फैलेगा जहाँ सुख शांति को खा जाएगा। सर्वज्ञ भाषित वीतरागी धर्म ही जिन धर्म है कांक्षा बिन सहज जीवन सहजता का मर्म है। भोग में सुख बुद्धि पूर्वक चाह को कांक्षा कहे आज्ञ जन नित निरंतर ही कांक्षा में। चार तत्वों रूप में वर्गीकरण जो तत्व का पुण्य को उसमें लिया संसार कारण तत्व में। संसार कारण तत्व तो रे ग्राह्य हो सकता नहीं वह तो नियम से हेय है जिन देव का। राग है पर राग है वे राग के बाहर नहीं। राग है तो है यही है वीत रागी धर्म में। पुण्य का फल भोगते हैं रिद्धिधारी देवगण वे विषय सुख को भोगते पर है सभी संसार में। भले हो वे देव पर यह देव गति संसार में उनको सुखी कैसे कहे पंचेंद्रिय विषयों में।
जो शब्दों में लिखा है ग्रंथ प्रवचन सार में, सुख का कथन करते हुए प्रथम सुख अधिकार में। पंचेंद्रिय विषयों में रति वे है स्वाभाविक दुखी जन, दुख के बिना विष विषय में व्यापार हो सकता नहीं। पंचेंद्रिय विषयों में रति तो सर्वथा ही है, यह जिस पुण्य से यह सब मिले वह क्यों न हो वे है अरे। पुण्य करने योग्य है बस बात इतनी ही नहीं, वह धर्म है शिव है तू है कुछ अज्ञ जन ऐसा कहीं। समझते सच्चाई उनको चाहिए रोके इसे, युक्ति से इस बात को समझाए और प्रस्तुत करे। यद्यपि ज्ञानी किसी से उलझना नहीं चाहते, तथापि यह बात जनमत की जानना। इसे जाने बिना जिन मत समझ में आता नहीं, इसलिए सद ज्ञानियों से चुप रहा जाता नहीं। प्रयासों से निरंतर चर्चित रही धारा प्रवाही रूप से यह बात चलती ही रही और आगे भी सदा चलती रहेगी निरंतर, प्रबल इसकी धार तो बहती रहेगी निरंतर। अरे दर्शन ज्ञान सम्यक चरण में जो परिणति, यह वीतरागी भाव ही ले जाए जो अनुपम गति। शुद्ध है उपयोग एवं शुद्ध ही है परिणति, इस एक निश्चय धर्म से ही प्राप्त हो पंचम गति। उत्पत्ति वृद्धि पूर्णता संपूर्णता आनंदमय। आश्रवों का रोध संवर गुप्ति समिति पूर्वक, दश धर्म बार है भावना बाईस परिषह जीत कर। चारित्र धारण कर मुनीश्वर करे संवर निर्जरा, मुक्ति मग में पग धरे अर अंत में मुक्ति भरे।
सभी का विशद अध्ययन जिनागम परिप्रेक्ष्य में इन सभी को जानना यदि जिनागम आलोक में सूत्र जी का और उसकी विशद टीका ग्रंथ का अध्ययन करेंगे गहराई से संपूर्ण समता भाव से साधु है शुद्धात्म सेवी सहज उनकी परिणति क्षमा मृदुता सरलता सत्य शुचि उनकी गति संयमित तप त्यागमय उनके अकिंचन भाव है निज ब्रह्म में लवलीन है अत्यंत निर्मल भाव धर्म बारह भावना को समझना गहराई से यदि चाहते हो तो अपेक्षित ग्रंथ का अध्ययन करें इस वीतरागी भाव से विपरीत जो जो भाव है और आश्रव बंध के वे शुभाशुभ भाव भव के हेतु है भव रूप है मुक्ति के हेतु नहीं वे मुक्ति के विपरीत है के अनुकूल तो एकदम अरागी भाव है परमार्थ दर्शन ज्ञान निर्मल चरण समता भाव है शुद्ध परिणति रूप है अर शुद्ध ही उपयोगमय आनंदमय सुख शांतिमय बस वीत रागी संवर निर्जरा के रूप है वीतरागी भाव मुक्ति मार्ग के अनुरूप है मुक्ति में भी वीतरागी भाव रहते निरंतर आत्मा के भाव रहते आत्मा निर्भर है भव पार है और अपने आप के जो स्वयं ही आधार है जानना बस जानना बस जानते रहना सदा प्रभु ज्ञान आनंदमय शांत एकदम शांत एवं सहज परमानंदमय
व्यक्त उसको कर सके। सामर्थ्य भाषा में नहीं, वाणी स्वयं लाचार है। मोक्ष सुख की क्या कहें, ना आर है ना पार है। संसार सुख से अनंता सुख, मोक्ष में जग जन कहे। संसार में सुख है नहीं, हम गुणन फल किस से करें। संसार का सुख सुख नहीं है, दुख का ही रूप है। श्री कुंद कुंदाचार्य ने ही कहा प्रवचन सार। सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण दुखद। परतंत्र है विच्छिन्न है। इस जाति का सुख मोक्ष में तो कभी हो सकता नहीं। मोक्ष सुख की जाति तो है अतीन्द्रिय आनंद। प्राप्त होता विषय सुख, यदि मोक्ष से भी वही है तो क्यों न हो शुभ भाव से। यदि बात यह तो क्यों कहा, इस बात को जिन शास्त्र में है अनंता सुख मोक्ष में, संसार से होता प्रभु। यदि इसका उत्तर चाहिए तो मोक्ष मार्ग प्रकाश के सातवे अधिकार का अध्ययन करो। सुख की जाति को रे आज्ञजन जाने नहीं, अतीन्द्रिय आनंद की वे जाति पहचाने नहीं। अरे सुख के नाम से वे विषय सुख ही जानते, अतः उसको प्राप्त कर सौभाग्य अपना मान। भाव से ही ज्ञानी जन ने कहा यह व्यवहार से, बस बात तो इतनी ही है, इससे अधिक कुछ है नहीं। ऐसे कथन में ज्ञानियों की भावना पहचानिए। त्रि मोक्ष सुख की जाति तो अरे उसका स्वाद तो रे ज्ञानी जन ही जानते। आत्मा के अनुभवी गहराई से पहचानते।
की होड़ में न और कोई अन्य है जो आत्मा के मार्ग पर वे धन्य है वे धन्य है। आत्मा की भावना भाते जो बारंबार है जो आत्मा के अनुभवी उनको नमन शत बार है। आत्मा की भावना भाते रहे जो निरंतर आत्मा के गीत जो गाते रहे हैं निरंतर। निज आत्मा में लीन हो जो आत्मा में हो गए सिद्ध सुख को प्राप्त कर परमात्मा में हो गए। स्वयं ही गुणवान है तत्वार्थ में है प्रथम एवं वह स्वयं भगवान है। परस्पर जो विरोधी है धर्म उनका धाम है शक्तियों का संग्रहालय गुणों का गोदाम है। आनंद कंध एवं ज्ञान का घन पिंड है अनंत बल से विभूषित है और अति प्रचंड है। चंड है चंड है घन पिंड है यह आत्मा रे संत है भव अंत है भगवंत है यह आत्मा। अरे जिसका ध्यान धर यह आत्मा परमात्मा बने यह बस वही है चैतन्यमय ध्रुव आत्मा। अरे इसके गीत हम गाए कहाँ तक विज्ञवर और इसके गुणों की महिमा बताए कहाँ तक। इन सात तत्वों में अरे सर्वोत्तम है आत्मा हम स्वयं ही है आत्मा हम स्वयं ही परमात्मा। जीव की सर्वोत्तम पर्याय है बस उसे पाने के लिए ही भावना है भाव है। एक संवर निर्जरा मग मोक्ष जाने के लिए एक वीत रागी भाव ही है मोक्ष पाने शुद्धि एकमात्र उपाय है बस उसे पाने के लिए ही भावना है भाव है।
शुभ भाव का तो टूटना अनिवार्य है, पाप एवं पुण्य का भी छूटना अनिवार्य है। संपूर्ण आश्रव बंध को भी दूर होना चाहिए, हर आत्मा का आत्मा में रमण होना चाहिए। रतन त्रय ही वीत रागी भाव है संपूर्णतः, निज आत्मा में अपन पन अर आत्मा में रमणता। ये वीत रागी भाव है ये सहज होना चाहिए, सहज होना चाहिए, बस सहज होना चाहिए। पुरुषार्थ है हर स्थिति में सहज रहना, साधना है साध्य है। शांत एकदम शांत रहना साधना का रूप है, विकल्पों में ना उलझना निर्विकल्प स्वरूप है। सहज ही होती सदा, सहज एवं सरल होता साधु का जीवन सदा। साधु का जीवन सदा आनंद का ध्रुव धाम है, श्रम नहीं उसमें अरे उसमें पूर्णतः विश्राम है। रे पूर्णतः विश्राम है, न काम है न धाम है, बस आत्मा का ज्ञान है, श्रद्धान है सब विकल्पों का शमन हो, शांति संयम और समता भाव का गमन हो, रंज भी श्रम नहीं हो, बस पूर्णतः विश्राम हो, आत्मा बस आत्मा के ध्यान में ही मगन हो। कुछ किसी से अनुराग से बस जानते हैं देखते हैं वीत रागी भाव से। पर द्रव्य में कुछ काम ना रे, क्योंकि कर सकते नहीं, और अपने परिणमन को भी बदल सकते जब काम कुछ भी है नहीं, फिर श्रम कहाँ से होएगा, श्रम के बिना ही श्रमण का जीवन सफलतम होएगा।
समकिति से तेरा वे गुण स्थान तक असंख्य गुण मय निर्जरा के एक दश स्थान है शुद्धि वृद्धि निर्जरा आनंद वृद्धि निर्जरा इस तरह तो मुक्ति मग असंख्य गुण आनंदमय मुक्ति मग तो निरंतर रहता सदा आनंदमय आनंदमय इस दशा में श्रम को कहां अवकाश है श्रम तो सदा ही खेत को उत्पन्न करती दशा जरूरत जिसके लिए वे श्रम करें सभी जिम्मेदारियों से पूर्णतः ही मुक्त कोई तरह का बोझ लेकर वे कभी चलते नहीं और कोई काम को वे किसी से कहीं जाने की उन्हें होती नहीं जल्दी कभी इस जगत में किसी से भी राग वे करते जैसी व्यवस्था हो वीतरागी भाव से ठहर जाते शांति से रहते विरागी भाव से समय पर सब विधि पूर्वक निकलते आहार को ग्रहण करते हैं सदा जो विधि पूर्वक प्राप्त किसी से लेना नहीं देना नहीं है किसी को सभी से समभाव रखना वीतरागी भाव से किसी से भी व्यर्थ की बातें कभी करना नहीं तत्व चर्चा स्वाध्याय करना चाहिए और तीनों समय विधिवत ध्यान करना चाहिए आत्मा के भव दुखों से मुक्ति ही बस मुक्ति है निर्विकल्पक समाधि में समा जाना अरे कुछ करना नहीं यह सब सहज होता रे सहज रहना सहज ही रहना रे
वह श्रम स्वरूप नहीं कहा, श्रम परे श्रम रूप है जो थकावट पैदा करे। धर्म आत्म शुद्धि है जो शुद्धि की वृद्धि करे, आनंद की वृद्धि करे, असंख्य गुण वृद्धि करे। असंख्य गुणी प्रतिपल बढ़े आनंद की ध्रुव धार, जब आनंद की ध्रुव धार में श्रम का कहाँ स्थान है। जब नहीं करने रूप है तब व्यर्थ में श्रम क्यों करें, अरे श्रम से दूर रहे हम धर्म में आगे। चिंतन मनन हर आत्म का ध्यान बना रे नित निरंतर हो आनंद महान। चैत्र बदी तेरस अरे 2 अप्रैल 19 यह चिंतन पूरा हुआ, नमो नमो।